अंग्रेजों ने उनके पूर्वजों से करवाया था मजदूरी। अब बनी उसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा था उनकी पार्टी का सिंबल है उगता हुआ सूरज जो बिहार से होकर त्रिनार जाता है। जब वह अपने पूर्वजों से विदा ले रही थी तो उनकी आंखों में था आंसू, दिल मानो बैठा जा रहा था। जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था तो वे भारतीयों को मजदूर बनाकर विदेश ले गए थे, जिन्हें आज हम गिरमिटिया के नाम से जानते हैं। लेकिन इन अंग्रेजों ने जब भारत के लोगों को विदेश ले गया था, तब अंग्रेजों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि मजदूर की बेटी उसी देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी। बिहारी में जोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे बिहारी के बारे में जिसने अपने मेहनत के दम पर वो कर दिखाया जो हर किसी के बूते की बात नहीं। इस सेगमेंट में हम बात बिहार के बाहर त्रिनाड एवं टोबैगो में रहने वाले बिहारी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे उस बिहारी महिला के बारे में जो कि त्रिनाड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अब तक आपके दिमाग में भी यह बात आ ही गया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं कमला विशेषर के बारे में। कमला विशेषर के पूर्वज किस तरह से बिहार से त्रिनाड एवं टोबैगो चले गए, हम इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कमला विशेषर के बारे में। उनका जन्म 22 अप्रैल 1952 को त्रिनाड के सिपारिया नामक गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा आयरे हाई स्कूल में हुई थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज चले गए। उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगता था। पिता और चाचा के न चाहने के बाद भी उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के नॉर्बुर टेक्नोलॉजी कॉलेज और ह्यूज बुडिंग लॉ कॉलेज में उच्च शिक्षा हासिल की। हालांकि उस पढ़ाई में कमला की माँ का खूब मदद रहा। कानून की पढ़ाई के बाद उन्होंने मैनेजमेंट से डिप्लोमा भी किया। जिस समय उनकी पढ़ाई चल रही थी उसी दौरान कमला राजनीति में भी एक्टिव थी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कमला के राजनीतिक सफर के बारे में। कमला के राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है साल 1987 से, जब वह सेंट पैट्रिक काउंटी काउंसिल में पहली बार जीत कर आई थी। इस दौरान उन्होंने राजनीति में खूब मेहनत किया, जिसका परिणाम सामने आया और वह एक राजनेता यानी कि पॉपुलर राजनेता के तौर पर जाने जाने लगी। राजनीति में सक्रिय होने के बाद कमला ने डॉक्टर ग्रेगरी विशेषर के साथ शादी कर ली। डॉक्टर विशेषर पेशे से दांत के डॉक्टर हैं। उनकी शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। उनका एक बेटा भी है। कमला के जब आप राजनीतिक सफर का जिक्र करेंगे तो आपको उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य खुद ब खुद उसके साथ जुड़े चले आते हैं। साल 1995 में त्रिनाड में भारतीय समुदाय के आगमन की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत सरकार के अपने शिष्टमंडल के साथ त्रिनाड पहुंचे थे, जिसमें भारतीय गायकों, नृत्यांगनाओं और फिल्मी कलाकारों की हिस्सेदारी हुई थी। बता दें कि इस समारोह के लिए कमला का खूब मेहनत किया था, यानी कि भारत से वहाँ जो लोग गए थे उसके लिए जो है कमला ने खूब मेहनत किया था और इसका इनाम कमला को मिला। और वह सिपारिया लोकसभा से यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतने में सफल रही। इसके बाद वह साल 2000 में वह उसी की मंत्री यानी कि उसी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनी। इसके बाद ठीक साल 2006 में वह त्रिनाड एवं टोबैगो में विपक्ष की नेता बनी। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने अपने देश के समस्याओं को आम लोगों के सामने रखा और बताया कि हम किस तरह से इससे निजात पा सकते हैं। कमला का मेहनत रंग लाया और वह 24 मई 2010 को आम चुनाव में पीपुल्स साझेदारी की जीत हुई। कमला ने पीपुल्स नेशनल मूवमेंट की पिछली सरकार को हराकर प्रधानमंत्री बनी। इसके साथ साथ त्रिनाड एवं टोबैगो को वह पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। इसके साथ साथ वह पहली महिला राष्ट्रमंडल अध्यक्ष इन ऑफिस भी बनी। कमला जब प्रधानमंत्री बनी तो वह साल 2012 में बिहार के बक्सर जिले स्थित अपने गाँव पहुँची थी। अब बात कर लेते हैं कमला विशेषर के भारत कनेक्शन के बारे में। भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस समय भारत के लोगों से काम करवाने के लिए अंग्रेज उन्हें दूसरे दूसरे देशों में ले जाते थे। उस समय कमला के वंशज भी विदेश चले गए थे। कमला विशेषर के परदादा स्वर्गीय राम लखन मिश्रा साल 1889 में अपने परिवार के साथ बतौर गिरमिटिया मजदूर त्रिनाड एवं टोबैगो में जाकर बस गए। जब अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हुई तो उसके बाद वे लोग तेल कुओं में काम करने लगे। इन्हीं मजदूरों के परिवार में रहते हुए कमला त्रिनाड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कमला का भारत के बिहार के संबंध में इसके पुरखे बक्सर जिले के भेलपुर गांव के रहने वाले हैं। कमला के परदादा राम लखन कोलकाता के रास्ते त्रिनाड पहुंचे थे। कमला जब अपने पूर्वजों के बारे में पता लगाने लगी तो उन्हें एक स्टीमर टिकट के आधार पर ब्रिटिश सरकार
में विदेश जाने वाले यात्रियों के आवेदन की जांच के दौरान भेलोपुर गांव का नाम सामने आया। इसके बाद राम लखन के खतिहान और उनके पंजीकरण कार्यालय के कागजातों के आधार पर उनकी पहचान की गई और वो बताया गया कि ये जो है कमला विशेषर के वंशज हैं। कमला विशेषर ने जब बिहार पहुंची तो वह सीधे अपने पैतृक गांव पहुंची। उनके रिश्तेदार वहां अपनी बेटी से मिलकर भावुक हो गए। वहीं विशेषर की आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। प्रधानमंत्री बिटिया को अपने बीच पाकर गाँव के लोग खुशी नहीं समा रहे थे। उनके सम्मान में पारंपरिक गीत गाए जा रहे थे। महिलाओं ने उन्हें सम्मान में टीका और लाल रंग की साड़ी भी भेंट की। कमला इस दौरान अपने पूर्वजों को याद कर भावुक हो गई और अपनी चाची का हाथ पकड़ लिया और बच्चों के साथ लाड़ करने लगी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब हमारे पूर्वज त्रिनाड और टोबैगो गए थे तो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके आशीर्वाद से हूँ। कमला ने यह भी कहा कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वह अपना भविष्य भी नहीं जान सकते।